नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। आज राजधानी भोपाल के मानस भवन में नेशनल यूथ पार्टी का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सिंह एवं प्रदेश अध्यक्ष मोनू कुशवाहा की अध्यक्षता में किया गया। प्रदेश से कई जिले के कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां की गई। नेशनल यूथ पार्टी मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पिछड़ा वर्ग दलित वर्ग के हक के लिए चुनाव लड़ेगी। उनका अभिनंदन। और उससे सुसज्जित ये माला पूरी टीम की ओर से सिंह जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 15 वर्ष से लगातार नेशनल यूथ पार्टी के लिए समर्पण भाव से काम कर रहे हैं, आज हमारे मुख्य अतिथि हैं। उनके स्वागत के लिए हम अनुरोध करते हैं मध्य प्रदेश के नेशनल यूथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोनू कुशवाहा जी से कि वो माननीय श्री राजकुमार सिंह। तैयारी आपके सामने है, प्रदेश की पूरी जनता आपके समक्ष, कार्यकर्ता हमारे बैठे हुए हैं, तैयारियों में कोई कमी नहीं है, बस चुनाव की डेट घोषणा होने दीजिए। सूची आपके सामने, हम लोग सूची तैयार है, जारी करने की बस देरी है। किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं आप प्रदेश में? प्रदेश में बेरोजगारी और आपको सारी चीज़ें, मतलब शिक्षा है, किसान है और आपकी महिला की समस्या जो है, ये सारी चीज़ों मुद्दों को लेकर अपन लोग बीच में जाने तैयार। प्रदेश की सरकार से ना खुश जनता? ना खुश तो आपको दिख ही रहा है कि प्रदेश की अभी प्रेजेंट में सरकार भाजपा की है, जो रेवड़ी बांटने का काम कर रही है। या कहीं 1000 की बात हो रही है, कहीं 1500 की बात हो रही है, वो तो अभी 3000 की भी घोषणा कर देंगे उनके लिए तो कम है। आप प्रदेश के ऊपर कर्ज बढ़ाते जा रहे हैं, प्रदेश की जनता के ऊपर कर्ज बढ़ाते जा रहे हैं, वो अपनी जिम से क्या दे रहे हैं? आप लोग करेंगे कैसी कोई घोषणा? हम लोगों ने पूरा एजेंडा तैयार किया है, अगले कार्यक्रम में हम सारी चीज़ें आपके समक्ष रख रहे हैं। नेशनल यूथ पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में सारी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उसी के संदर्भ में ये कार्यकर्ता सम्मेलन भोपाल में रखा गया है और पूरे मध्य प्रदेश में श्री मोनू कुशवाहा जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में हम 230 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कब तक प्रत्याशी घोषित कर देंगे आप? प्रत्याशी चुनाव की घोषणा होने दीजिए, सारे प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करें। तो जातिगत आधार पर देंगे या किसी आरक्षण? नहीं, नेशनल यूथ पार्टी जाति, धर्म और क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करती है। हम उन लोगों को टिकट देंगे जो कॉमन यूथ हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं और ये विजनरी पॉलिटिक्स के लिए काम करना चाहते हैं, उनके लिए नेशनल पार्टी तत्पर। महिलाओं के लिए? महिलाओं को 50% टिकट नेशनल पार्टी अपने एजेंडे में रखी है, वो 50% टिकट हम देंगे। कोई वचन पत्र वगैरह तैयार हुए अभी तक आपने? नहीं, चुनाव की घोषणा होने दीजिए, उसका एक जो है एक्शन प्लान नेशनल पार्टी बना रही है, वो एक्शन प्लान हम चुनाव घोषणा की बात जानेंगे। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।